अस्सलाम वालेकुम नाज़िम रामसिल, कभी मैं कभी तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। शजीना सबके लिए खाना बनाती है और जिस टाइम सब खाना खा रहे होते हैं तो उसके नाम कहती है आज का सारा खाना शजीना ने बनाया है। रुबाब उठती है और कुछ पैसे निकाल कर शजीना को देती है। रुबाब कहती है कि ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन शजीना कहती है कि ये इनाम नहीं बल्कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। और मुस्तफ़ा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। शजीना वहाँ से उठकर चली जाती है, जैसे ही वो बैठी रो रही होती है। मुस्तफ़ा आता है लेकिन शजीना को कुछ नहीं कहता। तो शजीना कहती है कि मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा कि उसने मेरी की है, बल्कि दुख इस बात का ज्यादा है कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्तफ़ा कहता है कि तुम मुझसे शादी कर पछता रही हो ना, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ बन गया है ना, कि अगर तुम्हें इस रिश्ते से निकलना है तो निकल जाओ, बहाने क्यों ढूंढ रही हो। शजीना कहती है बस आज की रात इंतजार कर लो, कल सुबह चली जाऊंगी। और मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा परेशान होता है, हालांकि उसे असल दुख उसके भाई की बातों का हो रहा होता है। और शजीना बैठ कर रो रही होती है। शजीना की नन कहती है कि आज इस घर में शजीना के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन उसकी सास तो कोई जवाब नहीं देती, उसे तो सिर्फ रुबाब को ही पड़ी होती है। और वो कहती है अदिल कितना खुशकिस्मत है ना, उसे रुबाब जैसी बीवी मिली।